लव्य व्यवस्था अध्याय 23, लव्य व्यवस्था अध्याय 23, वर्ष भर के नियत त्योहारों की विधियां। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और परम पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। फिर यहोवा के पर्व जिनमें से एक एक के ठहराए हुए समय में तुम्हें पवित्र सभा करने के लिए प्रचार करना होगा, वे ये हैं। पहले महीने के 14वें दिन को गोधूली के समय यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को यहोवा के लिए अखमीरी रोटी का पर्व हुआ करे। उसमें तुम 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना, उनमें से पहले दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना, और 7 दिनों तक तुम यहोवा को हव्य चढ़ाया करना, और 7वें दिन पवित्र सभा हो, उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के 2रे दिन हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन 1 वर्ष का निर्दोष भेड़ का बच्चा यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाना, और उसके साथ का अन्न बलि एपा के 2/10 अंश तेल से सने हुए मैदे का हो, वह सुखदायक सुगंध के लिए यहोवा का हव्य हो, और उसके साथ का अर्घहीन भर की 1/4 दाखमधु हो। और जब तक तुम इस चढ़ावे को अपने परमेश्वर के पास न ले जाओ, उस दिन तक नए खेत में से न तो रोटी खाना और न भुना हुआ अन्न और न हरी बाले, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे सारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। फिर उस विश्राम दिन के 2रे दिन से, अर्थात जिस दिन तुम हिलाई जाने वाली भेंट के पूले को लाओगे, उस दिन से पूरे 7 विश्राम दिन गिन लेना। 7वें विश्राम दिन के 2रे दिन तक 50 दिन गिनना, और 50वें दिन यहोवा के लिए नया अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने घरों में से एपा के 2/10 अंश मैदे की 2 रोटियां हिलाने की भेंट के लिए ले आना, वे खमीर के साथ पकाई जाए और यहोवा के लिए पहली उपज ठहरे, और उस रोटी के संग 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे और 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना, वे अपने अपने साथ के अन्न बलि और अर्घ समेत यहोवा के लिए होम बलि के समान चढ़ाए जाए, अर्थात वे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने वाला हव्य ठहरे। फिर पाप बलि के लिए 1 बकरा और मेल बलि के लिए 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे चढ़ाना, तब याजक उनको पहली उपज की रोटी समेत यहोवा के सामने हिलाने की भेंट के लिए हिलाए, और इन रोटियों के संग वे 2 भेड़ के बच्चे भी हिलाए जाए, वे यहोवा के लिए पवित्र और याजक का भाग ठहरे। और तुम उसी दिन यह प्रचार करना कि आज हमारी 1 पवित्र सभा होगी, और परिश्रम का कोई काम न करना, यह तुम्हारे सारे घरानों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। जब तुम अपने देश में के खेत काटो, तब अपने खेत के कोनों को पूरी रीति से न काटना, और खेत में गिरी हुई बालों को न इकट्ठा करना, उसे दीनहीन और परदेशी के लिए छोड़ देना, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि 7वें महीने के 1 दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो,
उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंगे फूके जाए और एक पवित्र सभा इकट्ठी हो। उस दिन तुम परिश्रम का कोई काम न करना और यहोवा के लिए एक हव्य चढ़ाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी सातवें महीने का दसवां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा का हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख न सहे वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो, उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के नौवें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी सातवें महीने के पंद्रहवें दिन से सात दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। पहले दिन पवित्र सभा हो, उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। सातों दिन यहोवा के लिए हव्य चढ़ाया करना। फिर आठवें दिन तुम्हारी पवित्र सभा हो और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना, वह महासभा का दिन है और उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। यहोवा के नियत पर्व यही है, इनमें तुम यहोवा को हव्य चढ़ाना, अर्थात होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि और अर्घ, प्रत्येक अपने अपने नियत समय पर चढ़ाया जाए, और पवित्र सभा का प्रचार करना। इन सभा में अधिक यहोवा के विश्राम दिनों को मानना और अपनी भेंटों और सब मन्नतों और स्वेच्छा बलियों को जो यहोवा को अर्पण करोगे चढ़ाया करना। फिर सातवें महीने के पंद्रहवें दिन को जब तुम देश की उपज को इकट्ठा कर चुको, तब सात दिन तक यहोवा का पर्व मानना। पहले दिन परम विश्राम हो और आठवें दिन परम विश्राम हो, और पहले दिन तुम अच्छे अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां और नालों में के मजनू को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा के सामने सात दिन तक आनंद करना, और प्रतिवर्ष सात दिन तक यहोवा के लिए यह पर्व माना करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे कि सातवें महीने में यह पर्व माना जाए। सात दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना, अर्थात जितने जन्म के इसराइली हैं वे सब के सब झोपड़ियों में रहे, इसलिए कि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लोग जान रखे कि जब यहोवा हम इसराइलियों को मिस्र देश से निकालकर ला रहा था तब उसने उनको झोपड़ियों में टिकाया था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और मूसा ने इसराइलियों को यहोवा के पर्व के नियत समय कह सुनाए।